गुड इवनिंग गुड इवनिंग सारे बच्चे गुड इवनिंग गुड इवनिंग सॉरी फॉर द डीले कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साइड से तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया सो आई एम सॉरी फॉर दैट गुड इवनिंग सुनीता चिराग खुशी आकाश आई एम गुड हाउ आर यू आकाश एक मिनट रुक जाओ सॉरी मुझे अपनी आवाज ही सुनाई दे रही है राइट हाँ जी कैसे हैं सारे बच्चे कैसे हैं सारे बच्चे दीपक सुनीता धीरज मेरी ऑडियो आ रही है सबको पहले बता दो भाई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी तो इस वजह से पहले शोर कर लू मैं मेक श्योर कर लू कि मेरी ऑडियो सबको साफ साफ आ रही है कि नहीं आ रही थैंक यू अजय थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर फॉर अंडरस्टैंडिंग तो मुझे सारे बच्चे बताओ मेरी ऑडियो सबको आ रही है थोड़ा सा एक मिनट देना मेरे को चलो जी अंशिका आई एम गुड हाउ आर यू तो बच्चे कह रहे आ रही है ऑडियो आ रही है तो आई होप अब कोई टेक्निकल इशू ना हो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत जल्दी जल्दी मैंने सुलझाया है तो इस उम्मीद से कि इसके आगे अब कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो इस उम्मीद से हम लोग अब आज की क्लास स्टार्ट कर सकते हैं चलो तो फटाफट से अपना और टाइम ना बेस नहीं करूंगा आप लोगों का फटाफट से आप अप लोग अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लो फटाफट से आप लोग कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लो बिफोर आई स्टार्ट विद माई टूडेज सेशन टूडेज एजेंडा एक करेक्शन कर लेना सारे बच्चे मेरी ध्यान से बात सुन लो एक करेक्शन करना लास्ट क्लास के नोट्स में लास्ट क्लास के नोट्स में मैंने केस नंबर दो आपसे डिस्कस किया था लास्ट क्लास के नोट्स में मैंने केस नंबर दो में आपको एक पॉइंट लिखवाया था सैक्रीफाइसिंग रेशन इज इक्वल टू गिव इन पी एस आर तो सबसे पहले सारे बच्चे उस पॉइंट को काट देना इस पॉइंट को सारे बच्चे काट देना ठीक है अपने नोट्स में काट देना मैं इसको दोबारा से बता दूंगा आज हम लास्ट क्लास की अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग एडमिशन के टाइम पे नया प्रॉफिट शेयरिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके हमने लास्ट क्लास में चार केसेस डिस्कस करे थे ठीक है पहला केस ये था कि जब नया पार्टनर का शेयर दिया हुआ है लेकिन बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दियो तो कैसे करते हैं सेकेंड सेकंड डिस्कस किया था जब नए पार्टनर का शेयर दिया हो और ये बता दे कि पुराने पार्टनर का आपसी रेशियो क्या रहेगा तो हम कैसे निकालते हैं थर्ड केस हमने किया था जब नए पार्टनर का जो शेयर है वो बच्चे पुराने पार्टनर से इक्वली लेता है ये थर्ड केस हमने किया था और फोर्थ केस हमने किया था जब पार्ट जब नया पार्टनर एक पर्टिकुलर रेशियो में लेता है पुराने पार्टनर से तो ये चार हमने केसेस डिस्कस करे थे और इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी करे थे तो इसी के कंटिन्यूएशन में अब हम लोगों को आज का डिस्कशन शुरू करना है तो सारे बच्चे अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकालो और केस नंबर फाइव लिखो केस नंबर फाइव सारे बच्चे लिखना केस नंबर फाइव चलो तो केस नंबर फाइव लिखना केस नंबर फाइव है न्यू पार्टनर शेयर या न्यू पार्टनर न्यू पार्टनर शेयर नहीं न्यू पार्टनर गेट्स हिज और हर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन चलो इसमें स्टार डाल के सबसे पहले लिखना मैं आप लोगों को सैक्रीफाइसिंग रेशियो का ना एक वो भी टेबल समरी टेबल बनवा दूंगा लास्ट में वंस हमारे सारे केसेस डिस्कस हो जाते हैं तो मैं आपको सैक्रिफाइजिंग रेशियो का एक समरी टेबल बना दूंगा कि हर केस में सैक्रिफाइजिंग रेशियो क्या रहता है ठीक है ताकि आपको फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना हो चलो स्टार डाल के एक पॉइंट लिखना सैक्रिफाइजिंग रेशियो सैक्रिफाइजिंग रेशियो इट इज टू बी कैलकुलेटेड इट इज टू बी कैलकुलेटेड on the basis of on the basis of sacrifice sacrifice of individual partners of individual partners determined determined from the given fraction from the given फ्रैक्शन चलो इस नोट को मैं समझा देता हूं भी सीधा एग्जाम्पल लिखते हैं तो एग्जाम्पल से सारी बात क्लियर हो जाएगी तो एग्जाम्पल नंबर वन लिखना एग्जाम्पल नंबर वन लिखना एक्स एंड वाई पार्टनर हैं जो थ्री इंस टू टू के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं फिर लिखना जेड इज एडमिटेड इज एडमिटेड फॉर थ्री फिफ्थ शेयर थ्री by 5 शेयर which which ही टेक्स which ही टेक्स 2 by फाइव फ्रॉम x एंड 1 by फाइव फ्रॉम y. इसमें आप लोग फ्रॉम को अंडरलाइन कर लेना इसमें आप लोग फ्रॉम वर्ड को अंडरलाइन कर लेना चलो अब मैं जरा चैट पढ़ लू लो आप लोगों के गुड इवनिंग सारे बच्चे गुड इवनिंग मैंने आज ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके सीधा शुरू कर दिया क्योंकि ऑलरेडी हमारा सेशन लेट स्टार्ट हुआ था ठीक है तो मैंने आज आप लोगों के साथ ज्यादा गुड इवनिंग नहीं करी क्योंकि हम मैं ऑलरेडी लेट हो गया था ताकि आप लोगों का मैं और टाइम वेस्ट ना करूं चलो यहां तक सबने नोट कर लिया तो मुझे ग्रीन सिग्नल दो थोड़ा सा नीचे लो चलो मुझे फटाफट से बताओ इतना नोट कर लिया सबने एग्जाम्पल नोट कर लिया क्या सारे बच्चों ने नोट कर लिया गुड इवनिंग नंदिनी गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलो सारे बच्चों ने नोट कर लिया अब इस केस में आप कैसे निकालोगे यहां पे मैंने आपको बोला मैंने आपको बोला कि भाई जो जेड एडमिट हुआ थ्री बाय फाइव के लिए थ्री बाई फाइव शेयर के लिए एडमिट हुआ थ्री बाई फाइव इसने कैसे लिए फ्रॉम वर्ड यूज किया यानी टू बाई फाइव शेयर इसने लिया एक्स से और वन बाई फाइव शेयर लिया इसने वाई से तो आपको पता है न्यू पी एस आर निकालने का फॉर्मूला या न्यू प्रॉफिट शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ओल्ड रेशियो प्लस या माइनस गेन या सैक्रिफाइस यही फॉर्मूला होता है तो अगर मैं x की बात करूं x का पुराना शेयर था थ्री बाय फाइव इसमें से टू बाई फाइव इसने Z को दे दिया तो अब नया शेयर कितना आ गया वन बाई फाइव तो बच्चे ने बिल्कुल चंचल ने बिल्कुल सही निकाल दिया मैं अभी निकाल देता हूं सिमिलरली अगर Y का पुराना शेयर था टू बाई फाइव इसमें से वन बाई फाइव इसने Z को दे दिया तो बचा क्या वन बाई फाइव और Z Z का शेयर कितना था Z का तो शेयर मैंने दिया ही हुआ है z का शेयर कितना थ्री बाय फाइव Z का शेयर कितना थ्री बाय फाइव तो न्यू पी एस आर कितना हो जाएगा न्यू पीएसआर विल बी वन इज टू वन इज टू थ्री तो सारे बच्चों ने बिल्कुल सही निकाल दिया मेरे से पहली साइना का बिल्कुल ठीक है आशुतोष का ठीक है और सृष्टि ने तो सैक्रिफाइस भी निकाल दिया मैं सैक्रिफाइस वाला पॉइंट बता रहा हूं में यहां तक सारे बच्चों का आ गया होगा आई बिलीव मैं बताऊंगा धीरज मैं बताऊंगा वो मैंने गलत लिखवा दिया था इसलिए कटवा दिया वो मैंने थोड़ा गलत फंडा लिखवा दिया था तो इसलिए कटवा दिया सैक्रीफाइस रेशियो का मैं आपका पूरा सारे केसेस का एक टेबल की समरी बनवा दूंगा ठीक है तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी अभी आप यहां फोकस करो चलो अच्छा अब मैंने आपको बोला ऊपर आके देखो मैंने बोला इस केस में सेक्रीफाइस आपको आपको कैसे निकालना है द बेसिस ऑफ सैक्रीफाइस ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स यानी यहां परिफाइस कितना हुआ है एक्स का टू बाई फाइव सेक्रीफाइस हुआ है और वाई का सेक्रीफाइस तो अगर मैं आपको बोलू सैक्रीफाइज रेशियो कितना आएगा सैक्रीफाइजिंग रेशियो कितना आएगा एक्स और वाई का एक्स और वाई का तो वो आएगा टू बाई फाइव इज टू वन बाई फाइव दैट इज टू इज टू वन टू इस टू वन सेक्रीफाइज निकालना तो आप लोग क्या करते हो आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सॉरी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ये फॉर्मूला यूज करके तो आप निकाल ही सकते हो लेकिन कुछ कुछ केसेस में हम लोग शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कुछ कुछ केसेस में हम शॉर्टकट यूज करेंगे तो यहां पे सैक्रीफाइज रेशियो आ जाएगा टू इज टू वन किसका सेक्रीफाइज एक्स और वाई का और न्यू पी एस आर तो मैंने निकाल ही दिया वन इज टू वन इज टू थ्री चलो हो गया ये एग्जाम्पल हो गया सबका मुझे बता दो फटाफट से एग्जाम्पल हो गया सारे बच्चों का करेक्ट टू इज टू वन बिल्कुल ठीक दे रहे हैं बच्चे आंसर मीना अमाया अशोक पराज श्वेता वेरी गुड तो सारे बच्चों ने वैसे मेजोरिटी बच्चों ने तो मुझसे पहले ही दोनों चीजें निकाल के रखी थी मुझसे पहले ही निकाल दी थी क्योंकि आप लोग बहुत समझदार बच्चे हो चलो इसी तरह से अब एग्जाम्पल नंबर टू लिखो इसी तरह से अब आप एग्जाम्पल नंबर दो लिखो

and Y gives, and Y gives 1 by ha हाँ one by two of his share. Calculate new PSR. Calculate new PSR. और इसमें भी word of को underline कर लेना, of word को underline कर लेना. चलो दिशा सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है जब कोई पार्टनर अपने शेयर में से किसी पार्टनर को सैक्रीफाइस करके दे देता है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता लगा ना दिशा क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता लगा दिशा सेक्रीफाइस होता है क्या जब पार्टनर अपना शेयर कम कर देता है या सेक्रीफाइस कर देता है टूवर्ड्स अदर पार्टनर तो उसी को तो सेक्रीफाइस बोलते हैं चलो तब चंचल ने फिर से निकाल दिया है पहले ही चलो मेरे साथ साथ करो मेरे साथ साथ करो न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होता है ओल्ड शेयर ओल्ड रेशियो प्लस या माइनस गेन या सैक्रिफाइस ये फॉर्मूला होता है अब एक्स की बात करते हैं एक्स का पुराना शेयर था थ्री बाय फाइव और इसमें से इसने कितना सैक्रिफाइस कर दिया इसने अपने शेयर का टू थर्ड सैक्रिफाइस किया इसने अपने शेयर का टू थर्ड सैक्रिफाइस किया टू बाई थ्री ऑफ हिस शेयर इसी तरह का इसी तरह का एक हमने क्वेश्चन उसमें भी करा था आपके चेंज इन पीएसआर के चैप्टर में तो यहां पे एक्स ने अपनी शेयर का टू थर्ड किया यानी अपने शेयर का किया तो इसमें से जब आप इसको और इसको काट दोगे तो ये आ जाएगा वन बाई फाइव सिमिलरली अगर मैं वाई की बात करूं वाई का ओल्ड रेशियो था टू बाई फाइव और अपने शेयर का उसने वन बाई टू सेक्रीफाइस किया अपने शेयर का उसने वन बाय टू सेक्रीफाइस किया तो यानी उसने टोटल कितना सैक्रीफाइस किया वन बाई फाइव तो इसका शेयर नया शेयर कितना निकल के आ गया बाई फाइव और अगर मैं Z की बात करूं Z का पुराना शेयर तो जीरो था प्लस एक्स से और वन बाय फाइव इसको मिल गया वाई से, से तो इसका टोटल शेयर आ गया थ्री बाय फाइव तो न्यू रेशियो कितनी आ गई न्यू पीएसआर कितनी आ गई वन इज टू थ्री अब इसको कंफ्यूज मत हो जाना चांस की बात है मेरे पिछले एग्जाम्पल के बराबर ही आ रहा है रेशियो ये चांस की बात है कि पिछले एग्जाम्पल के, के बराबर ही आ रहा है रेशियो हर बार सेम नहीं आएगा कभी आप उल्टे सीधे अपने लॉजिक लगाना शुरू कर दो ये चांस की बात है सेम आ गया माधव ट्रिक्स क्या इसलिए तो आपको एक एक अलग अलग केसेस और एग्जाम्पल्स लिखवा रहा हूं और बाकी मैं सैक्रिफाइस का एक वो आपका टेबल बनवा दूंगा ठीक है अभी थोड़ी देर में अभी यहाँ फोकस करो अच्छा अब मैं यहां पे बोलू सैक्रीफाइजिंग रेशियो कितनी होगी सैक्रीफाइस रेशियो क्या होती है जिस रेशियो में पार्टनर सैक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं एक्स तो ने ये सेक्रीफाइस किया और वाई ने ये सेक्रीफाइस किया तो रेशियो कितनी आ जाएगी <coughs> तो सेक्रीफाइज रेशियो आ जाएगी टू फाइव इज वन बाय फाइव दैट इज टू इज टू वन टू इज टू वन चलो चलो तो हो गया सबका ये एग्जाम्पल सबका एग्जाम्पल हो गया हाय गोलू हाय अब बुक का क्वेश्चन करें अब बुक के एक दो क्वेश्चन करें फटाफट से बताओ थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए अरे बाप रे सर आप इतना बढ़िया कैसे पढ़ाते हो अरे बाप रे इतनी तारीफ मत क्या करो भाई चलो मैं व्हाइट पेन से लिखूंगा बच्चों को पेन की इंग से दिक्कत होने लग जाती है चलो तो फटाफट से अपना प्रैक्टिकल रजिस्टर निकाल लो प्रैक्टिकल रजिस्टर और अपनी किताब निकाल लो तो कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन ऑन पेज नंबर फाइव पॉइंट एट फाइव तो मैं आपके सामने क्वेश्चन खोल लेता हूं मुझे एक मिनट देना मैं आपके सामने क्वेश्चन खोल लेता हूं क्वेश्चन नंबर फाइव खोल लेना सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर फाइव खोल लेना मैं जूम कर लू एक मिनट और पेन की इंक भी बदल दू चलो तो क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर नाइन नॉट फाइव क्वेश्चन नंबर नाइन तो क्वेश्चन नंबर नाइन किधर है क्वेश्चन नंबर नाइन चलो कबीर एंड फरीद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ सेवन इंस टू थ्री कबीर सरेंडर्स टू टेंथ फ्रॉम हिज शेयर फरीद सरेंडर वन टेंथ फ्रॉम हिज शेयर तो कबीर ने कितना सरेंडर किया टू टरेंडर कर फ्रॉम हिज शेयर और फरीद ने वन टेंडर किया फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ ज्योति ठीक है ज्योति कोई पार्टनर होगी तो उसके फेवर में टू टेंथ और इन दोनों ने सरेंडर किया ठीक है तो कौन बच्चा पूछ रहा था सर सेक्रीफाइस कैसे पता लगता है सैक्रीफाइस ऐसे पता लगता है क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता लगता है अच्छा द न्यू पार्टनर अच्छा आपको निकालना क्या कैलकुलेट न्यू पी एस आर एंड सैक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों चीजें निकालनी है आपको चलो तो हमारे एग्जाम्पल जैसा ही क्वेश्चन है तो फटाफट से कर लेते हैं इसको भी हमारे एग्जाम्पल जैसा ही क्वेश्चन है तो बच्चे आंसर निकालना शुरू कर चुके हैं न्यू रेशियो कैसे निकलती है न्यू रेशियो कैसे निकलती है ओल्ड रेशियो प्लस या माइनस गेन या सैक्रिफाइस ऐसे ही निकलती है अच्छा अगर मैं किसकी बात करूं सबसे पहले मैं कबीर की बात करता हूं मैं कबीर की बात करता हूं कबीर का पुराना शेयर था 7 by 10, और इसमें से टू बाई टेन कर दिया टूवर्ड्स ज्योति तो इसका नया रेशियो कितना आ गया फाइव बाई टेन वैसे अगर मैं फरीद की बात करूं अगर मैं फरीद की बात करूं इसका पुराना रेशियो था थ्री बाय टेन और इसमें से वन बाय टेन इसने सेक्रीफाइस कर दिया टूवर्ड्स ज्योति तो इसका नया रेशियो कितना आ गया टू ज्योति की बात करूं ज्योति की बात करूं जीरो तो उसका पुराना शेयर तो जीरो था क्योंकि पहले तो पार्टनर थी नहीं उसमें से इसको प्लस मिल गया टू बान बाई टेन टोटल इसका नया शेयर हो गया थ्री बाय टेन ढेरफो न्यू रेशियो कितना आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आ जाएगी फाइव इज टू टू इज थ्री फाइव इज टू टू इज टू और बच्चों ने जैसे कि बिल्कुल सही निकाल दिया सैक्रिफाइजिंग रेशियो आप यहां से देख सकते हो तो ये रहा आपका सैक्रिफाइजिंग रेशियो ये रहा आपका सैक्रिफाइजिंग रेशियो तो सैक्रिफाइजिंग रेशियो कितनी आ जाएगी नीचे करके लिख लेता हूं सैक्रिफाइजिंग रेशियो विल बी इक्वल टू टू बाई टेन इज टू वन बाई टेन दैट इज टू इज टू वन टू इज टू वन चलो हो गया सबका ये क्वेश्चन क्वेश्चन हो गया सबका ये तो बिल्कुल सही सब बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब निकालने शुरू कर दिए वेरी गुड सारे बच्चों को बिल्कुल ठीक जवाब आ रहे हैं वेरी गुड तो जिन बच्चों का ये क्वेश्चन हो गया हो आप लोग ट्राई करना क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री ट्राई करना ऑन पेज नंबर फाइव पॉइंट एट फाइव थ्री ऑन फाइव पॉइंट एट फाइव चलो बच्चे कह रहे हो गया तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो मैं आपके सामने क्वेश्चन खोल लेता हूं क्वेश्चन नंबर थ्री बच्चे वाले क्वेश्चन है सारे ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ सेवन इज टू वन दे एग्री टू एडमिट सी देर मैनेजर इन टू पार्टनरशिप ट वन सिक्स शेयर इन द प्रोफिट ठीक है तो न्यू रेशियो कितना है मतलब नए पार्टनर का शेयर कितना प्रॉफिट शेयर एस वन ट्वेंटी फोर्थ वन बाई ट्वेंटी फोर्थ फ्रॉम 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 एट एंड वन एट फ्रॉम फ्रॉम बी कैलकुलेट न्यू पी एस आर आपको न्यू पी एस आर निकालना है. चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर थ्री भी कर लेते हैं सॉल्व फटाफट से क्वेश्चन नंबर थ्री तो फंडा अपना वही है न्यू रेशियो कितना कैसे निकालना है हमको ओल्ड रेशियो प्लस या माइनस गेन या सैक्रिफाइस तो अगर मैं ए की बात करूं एज न्यू शेयर एज न्यू शेयर तो ए का पुराना शेयर था सेवन बाई ट्वेल्व ए का पुराना शेयर कितना था सेवन बाई ट्वेल्व और नया शेयर कितना है? इसने इसमें से कितना दे दिया वन बाय ट्वेंटी फोर इसने दे दिया 2, 2, uh, C. तो इसका नया रेशियो कैसे निकाल दो ट्वेंटी फोर कॉमन ले लो नीचे तो यह आ जाएगा ट्वेंटी फोर वैसे अगर मैं बी की बात करूं बी इज न्यू रेशियो या न्यू शेयर पुराना शेयर था फाइव बाई ट्वेल्व इसमें से इसने कितना दे दिया इसने दे दिया वन बाय वन बाई एट इसमें भी मैं ट्वेंटी फोर कॉमन ले लेता हूं नीचे ट्वेंटी फोर ले लेते हैं कॉमन तो ये आ जाएगा टेन माइनस थ्री अपॉन ट्वेंटी फोर दैट इज इक्वल टू सेवन अपॉन ट्वेंटी फोर अगर मैं सी की बात करूं, C सी न्यू रेशियो तो सी का न्यू रेशियो तो आपको गिवन ही है वन बाय सिक्स वन बाय सिक्स गिवन है नहीं तो आप यहां से भी देख के लिख सकते हो जीरो प्लस वन बाय ट्वेंटी फोर प्लस वन बाय एट तो नीचे आ जाएगा ट्वेंटी फोर कॉमन तो ये आएगा वन वन प्लस वन प्लस थ्री दैट इज फोर अपॉन ट्वेंटी फोर दैट इज फोर अपॉन ट्वेंटी फोर तो आपका न्यू पी एस आर कितना आ जाएगा न्यू पी एस आर तो न्यू पी एस आर विल बी थर्टीन इज टू सेवन इज टू फोर थर्टीन इज टू सेवन इज टू फोर और क्वेश्चन ने आपसे सेक्रीफाइस निकालने नहीं बोला क्वेश्चन ने आपने सेक्रीफाइस निकाली नहीं बोला फिर भी अगर मैं आपसे बोलू सैक्रीफाइजिंग रेशियो निकालो तो कैसे निकालोगे वन बाय ट्वेंटी फोर इज टू वन बाई एट और वन बाई ट्वेंटी फोर इज टू थ्री बाय ट्वेंटी फोर और वन इज टू थ्री वन इज टू थ्री हाँ नो माधव लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना भी तो जरूरी है ना न्यू रेशियो कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इस चैप्टर का तो इसलिए यू नीड टू डू इनफ प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं क्वेश्चन चलो तो हो गया सबका एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन और कराना है मेरे को आपको एक क्वेश्चन और कराना है एक मिनट ढूंढ लू मैं वो क्वेश्चन ये रहा मिल गया चलो सारे बच्चों का बिल्कुल ठीक आ गया आंसर करेक्ट बिल्कुल ठीक क्या रिपीट करना है सुचित सोचे पीछे करके देख लेना तीन क्वेश्चंस कर लिए ना थोड़ा पीछे करके देख लेना सोचे अब इसमें क्या रिपीट करना है आपको क्या नहीं आया इसमें अब आप लोग इतनी सिंपल चीजें भी रिपीट करोगे तो बहुत दिक्कत है दोस्त आगे के कौन से, आगे के चैप्टर कैसे करोगे आप भाई न्यू रेशियो कैसे निकालते हो ओल्ड रेशियो प्लस माइनस गेन या सेक्रीफाइस ठीक है ये आपको पता है अब मैं एक ही बात करूं तो ए का पुराना रेशियो था सेवन बाई ट्वेल्व उसमें से उसने बोला वन बाय ट्वेंटी फोर उसने दे दिया सी को तो माइनस कर दोगे सेक्रीफाइस है ना ए ने दे दिया इसका मतलब क्या है वो सेक्रीफाइस है ए का तो माइनस आप सबके सेक्रीफाइस कर दोगे तो और जब इस मैथ्स को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा थर्टीन अपॉइंट ट्वेंटी फोर वैसे अगर मैं बी की बात करूं मैं बी की बात करूं उसका पुराना रेशियो था 5 12, उसमें से उसने वन बाई एट शेयर दे दिया ठीक है क्वेश्चन में लिखा है शेयर दे दे दिया दे दिया मतलब है तो सैक्रीफाइज तो माइनस करते हो तो माइनस करके इस मैथ्स को जब सॉल्व किया तो यह आ गया सेवन बाई ट्वेंटी फोर और सी की मैं बात करूं तो न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो प्लस या माइनस गेन ओल्ड रेशियो तो जीरो था सी का उसमें से वन बाय ट्वेंटी फोर उसको ए से मिल गया और वन बाई एट इसको बी से मिल गया तो इस मैच को भी जब आप सोल्व कर दोगे तो याद जाएगा so होगा आपका 13 is to 7 is to 4. और सेक्रीफाइस होगा ये हो ये होगा, होगा. आपका हो दूसरे पेन से लिख लेता हूं दिस विल बी योर सेक्रीफाइस है ना वन बाई ट्वेंटी फोर और वन बाय एट तो जब आप इसको निकालोगे वन बाय ट्वेंटी फोर इसको आप कॉमन ले लोगे मतलब 24 का डिनोमिनेटर कॉमन लाने के लिए वन बाई ट्वेंटी फोर इस टू थ्री बाय ट्वेंटी फोर लिखोगे और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ठीक है तो अब इसमें रिपीट करने लायक तो वैसे कुछ भी नहीं था तीन तीन क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको इसके ऊपर तीन नहीं चार क्वेश्चन चलो बच्चे भी कह रहे हैं मूव ऑन सर मूव ऑन सर मूव ऑन सर चलो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन करो सुचित सुचित क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आप करोगे सुचित क्वेश्चन नंबर आप करोगे आ गया सर कह रहे हो ना तो सोचे अब सबसे पहले मुझे आपसे आंसर चाहिए क्वेश्चन सिक्सटीन का चलो क्वेश्चन सिक्सटीन पेज नंबर लिख लेता हूं फाइव पॉइंट एट सिक्स फाइव पॉइंट एट सिक्स तो क्वेश्चन खोल लेता हूं फटाफट से क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ये रहा क्वेश्चन सिक्सटीन इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना चलो गौतम एंड यशिका आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसिज इन द रेशियो ऑफ थ्री टू टू दे एडमिट आसमा इन टू पार्टनरशिप गौतम गिव्स वन थर्ड शेयर ऑफ हिज शेयर गौतम गिव्स वन थर्ड ऑफ हिज शेयर वाइल यशिका गिव्स वन टेंथ फ्रॉम हिज शेयर या हर होना चाहिए वैसे यहां पर टाइपिंग एरर है, हर तो गौतम ने वन बाई थर्ड ऑफ हिज शेयर दिया और यशिका ने वन टेंथ फ्रॉम हर शेयर दिया टू आसमा कैलकुलेट कैलकुलेट न्यूपीएसआरिंग रेशियो चलो आप कौन सुचित सुचित आप करके बताओगे क्वेश्चन सुचित आपने करना है क्वेश्चन ये सुचित और सुचित ने आंसर आई होप आपने आंसर देख के नहीं लिखा हो सुचित सुचित बुक से आंसर देख के तो नहीं लिख रहे चलो मैं शॉर्ट शॉर्ट पे लिखूंगा जी जी का न्यू शेयर कितना होगा पुराना शेयर था 5, पुराना शेयर था 5, और इसमें से इसने का वन थर्ड वन थर्ड शेयर ऑफ शेयर शेयर ऑफ़ यानी अपनी शेयर का वन थर्ड उसने दे दिया तो जब आप इसको सॉल्व कर दोगे नीचे ले लेना पंद्रह कॉमन तो यह आएगा नाइन माइनस थ्री फिफ्टीन दैट इज सिक्स अपॉन फिफ्टीन सिक्स अपॉन फिफ्टीन या फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो टू अपॉन फाइव ठीक है यशिका का पुराना शेयर था टू बाई फाइव इसमें से इसने कितना दे दिया वन बाय टेन तो नीचे फिफ्ट टेन कॉमन ले लेना तो यह आ जाएगा फोर माइनस वन अपॉन टेन इज थ्री अपॉन टेन चलो और अगर मैं ए की बात करूं करूज न्यू शेयर एज न्यू शेयर तो इसको कैसे कैसे मिला जीरो जी uh, से मिल गया टू बाई फाइव और वन बाय टेन मिल गया वाई से तो नीचे आप ले लोगे टेन कॉमन तो यह आएगा फोर प्लस वन अपॉइंट टेन प्लस वन अपॉइंट टेन दट इज फाइव बाई टेन दैट इज इक्वल टू एक मिनट टू बाय फाइव प्लस इसका आंसर क्या आ रहा है चलो कर लेते हैं इसको इसका इसको भी आप टू टेन के कॉमन टेन के डिनोमिनेटर में लिख लेना तो ये आ जाएगा फोर अपॉन टेन ठीक है और इसका शेयर आ जाएगा इसको मैं कॉमन में ही लेके कर लेता हूं तो दिस विल बी और इसका शेयर कितना है वाई का टू बाय फाइव माइनस क्वेश्चन गया क्वेश्चन ही खोल ले अच्छा तो इसका पुराना शेयर था टू बाय फाइव माइनस थ्री बाय टेन ठीक है इसमें इसने वन बाय टेन इसको दे दिया इसको मैं दोबारा से कर लेता हूं चलो तो इसमें इसका आ जाएगा फोर बाय टेन सॉरी फोर बाय टेन नहीं कितना दिया, इसने। इसने दिया है थ्री बाय सॉरी ना इसने सॉरी ओके ठीक है गलती पता लग गई तो यह आ जाएगा प्लस 10, अब ठीक हो जाएगा तो जब आप इसको ले लोगे नीचे कॉमन में कॉमन में आप टेन ले लेना ले तो यह आ जाएगा टू प्लस वन टेन दैट इज थ्री बाय टेन न्यू पी एस आर विल बी फोर टू थ्री टू थ्री चलो सर एक चीज पूछनी थी अपार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर अपार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर मतलब चलो बाद में पूछ लेना माधव हो गया सबका एक क्वेश्चन हो गया सबका एक क्वेश्चन अब लकी फिर कह रहे हैं रिपीट लकी बार बार रिपीट नहीं कर सकता हमने चार क्वेश्चन कर लिए इस पे अब हमने चार क्वेश्चन कर लिए ये क्वेश्चन तो आपको बोलना चाहिए था सर मैं खुद करूंगा आपके आई के नॉट रिपीट चलो तो सारे बच्चे अब अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लो वापस से हमने पांच केसेस कर लिए अब आपको छठा केस करना है केस नंबर सिक्स केस नंबर सिक्स लिखना लास्ट केस है आपका वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर रिटेन हिज शेयर रिटेन हिज शेयर एंड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन चलो चिराग आपका डाउट लास्ट में ले लूंगा ठीक है क्लास के एंड में ले लूंगा ठीक है सारी क्लास स्लो जाती है इस चक्कर में नहीं तो क्या दिशा दिशा आपने ना पुराना रिवाइज नहीं किया मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने जो बच्चे फंस रहे हैं जिन जो बच्चे हैं उन्होंने रिवाइज नहीं किया चलो के की हेडिंग डालना सब बच्चे और इसमें लिखना स्टेप नंबर वन हमारे पास बहुत टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर दैट इज वन माइनस न्यू शेयर माइनस रिटेन शेयर माइनस रिटेन शेयर स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर टू <clears throat> divide step number one divide step number one between remaining partners between remaining partners in their in their respective ratios in their respective ratios चलो इसके आगे लिखना दिस विल बी देयर दिस विल बी देयर न्यू शेयर और नीचे स्टार डाल के पॉइंट लिखना सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इक्वल टू देयर रिस्पेेक्टिव पी एस आर देयर रिस्पेक्टिव पीएसआर लिख लो इतना सारे बच्चे और फिर मुझे बताओ लिख ग्रीन uh, सिग्नल दो फिर मेरे को मुझे ग्रीन सिग्नल दो इतना लिख के अभी बता रहा हूं नीतिका एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा ना अभी रुक जाओ अभी खाली लिख लो अब जो बच्चे पुराने पिछले कॉन्सेप्ट <coughs> में या पिछले क्वेश्चन में फंस गए हैं तो आप लोग एंड तक वेट कर लेना मैं एंड में आप लोगों की क्वेरी ले लूंगा ठीक है क्योंकि एक ही चीज तीन तीन ती, चार चार बार समझाने में बाकी बच्चों की स्पीड स्लो हो जाती है तो जिन बच्चों का पुराने क्वेश्चन में अटक रहे हो हालांकि मुझे समझ नहीं आया क्यों अटक रहे हो लेकिन फिर भी अटक रहे हो तो एंड तक रुक जाना मैं दोबारा वापस से आराम से तसल से समझा दूंगा ठीक है यस सब कुछ सिंपल है मनप्रीत तो इसमें एग्जाम्पल लिखना मेरे साथ साथ एग्जाम्पल लिखना एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स और इनका रेशियो गिवन है थ्री इज टू टू इज टू वन डब्ल्यू इज एडमिटेड डब्ल्यू इज एडमिटेड फॉर वन बाय फाइव शेयर फॉर वन बाय फाइव शेयर और फिर लिखना जेड विल जेड विल रिटेन हिस्सेयर कैलकुलेट न्यू पी एस आर कैलकुलेट न्यू पीएसआर चलो इस केस में क्या होता है आपको एग्जाम्पल पढ़ के आप समझ आ गया होगा क्या केस है इस केस में क्या है कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है नया पार्टनर एडमिट होता है उसका रेशियो तो गिवन होगा आपको उसका रेशियो गिवन होगा साथ ही में वो बोलेगा कि पुराने पार्टनर में से कोई एक पार्टनर अपना पुराना रेशियो रिटेन करके चलेगा यानी मेरे इस एग्जाम्पल में जेड का ओरिजिनल शेयर था वन बाय सिक्स जेड का ओरिजिनल शेयर था वन बाय सिक्स Z का जो नया जब नया रेशियो कैलकुलेट करोगे तो Z अपना Z का जो पुराना रेशियो है वो कंटिन्यू रहेगा यानी वो अपना पुराना शेयर रिटेन करेगा यानी Z का न्यू रेशियो भी वन सिक्स आना चाहिए Z का न्यू रेशियो भी वन सिक्स आना चाहिए इस केस में ये है तो इस, इस, तरह के केस में आपको कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन ये देखो ठीक है ये आपके केस नंबर वन या टू जैसा ही है केस नंबर वन और टू जैसा ही है इसमें आप सबसे पहले निकालोगे रिमेनिंग शेयर रिमेनिंग शेयर किस किस का वाई सॉरी शेयर तो फिक्स है. है, है, तो है. है, तो है वो कैसे निकालोगे वन माइनस वन बाई सिक्स वन बाई सिक्स क्या है माइनस वन बाय फाइव वन बाई फाइव क्या है यह डब्ल्यू का शेयर है तो रिमेनिंग शेयर जब आप इसको सोल्व करोगे तो नीचे थर्टी ले, ले लेना तो, minus, uh, minus minus so तो ये आ जाएगा थर्टी माइनस थर्टी माइनस फाइव माइनस सिक्स सो दिस विल कम आउट टू बी नाइनटीन अपॉन थर्टी तो ये रेशियो आपका ये आपका रिमेनिंग uh, शेयर है ये किसका शेयर है ध्यान रखना ये एक्स और वाई का शेयर है ये एक्स और वाई का शेयर है एक्स और वाई का, share और y का, share और y का मिल, मिला के शेयर है नाइनटीन बाय थर्टी अब ये शेयर को नाइनटीन बाय थर्टी को आपको एक्स और वाई में बांट देना है इन देयर रिस्पेक्टिव रेशियो इन देयर रिस्पेक्टिव रेशियो इन देर रिस्पेक्टिव रेशियो रिस्पेक्टिव रेशियो का क्या मतलब हुआ इनका आपसी रेशियो आपसी रेशियो क्या था इनका थ्री इज टू टू एक्स और वाई का आपसी रेशियो कितना था थ्री इज टू टू तो बस ये आपका एक्स और वाई का न्यू शेयर निकल जाएगा तो एक्स का न्यू शेयर कितना आएगा एक्स का न्यू शेयर एक्स न्यू शेयर नाइनटीन अपॉन थर्टी इंटू आपसी रेशियो क्या आएगा थ्री टू टू तो इन टू थ्री बाय फाइव वैसी वाई का न्यू रेशियो कितना आएगा इंटू टू बाई फाइव और z का शेयर कितना है z का तो शेयर बदल ही नहीं रहा वो तो अपना शेयर रिटेन कर रहा है तो उसका वही पुराना शेयर चल रहा है वन बाय सिक्स और y का शेयर कितना है y का शेयर हो गया वन बाय फाइव तो इसको जब आप सॉल्व करोगे मैं फटाफट से देख के सॉल्व कर लेता हूं ये आ रहा है 57/150 इसका आ रहा है 38/150 इधर आपको 150 150 कॉमन लेना है तो z में आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना 25 से तो ये आ जाएगा 25/150 अपॉन और सिमिलरली इसका आपको uh, uh, 150 नीचे ली कॉमन लेने के लिए 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे तो ये आ जाएगा 30/150 फॉर न्यू पी एस आर कितना आएगा न्यू पी एस आर विल बी फिफ्टी सेवन इज टू थर्टी एट इज टू ट्वेंटी फाइव इज टू थर्टी चल और अगर मैं आपको बोलू सैक्रीफाइजिंग रेशियो भी निकालो सैक्रीफाइजिंग रेशियो भी निकालो सैक्रीफाइस कौन कर रहा है जेड तो सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा जेड का शेयर तो अनचेंज है वो तो अपना शेयर रिटेन कर रहा है तो सेक्स तो आपका सैक्रीफाइस कौन कर रहा है एक्स और वाई तो उसका आप कैसे निकालोगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो उनका पुराना शेयर यानी ये जो थ्री टू ये वाला शेयर है यही उनका सैक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा ये इनका सैक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा थ्री इज टू चलो अब ये एग्जाम्पल करने के बाद एक बार क्विकली आपको जो मैंने स्टेप्स लिखवाए हैं वो रीड कर लेना एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए प्लीज माधव समझा तो दिया था क्वेश्चन आप लोग भी ना कभी कभी कैसी बातें करते हो इस क्वेश्चन में एक्स और जेड थ्री है मैंने बोला एडमिट हो रहा फॉर वन बाई फाइव शेयर और जेड विल रिटेन शेयर शेयर अभी कितना है क्या मतलब अनचेंज्ड तो का नया शेयर अनचेंज रहेगा यानी वन बाय सिक्स रहेगा यह क्वेश्चन है तो अब इसको सॉल्व कैसे किया मेरे दो शेयर फिक्स हो तो शेयर है, 6, w का है तो इनका शेयर फिक्स करके मैंने बचा हुआ शेयर निकाल दिया रिमेनिंग शेयर वो आ गया नाइनटीन बाई थर्टी नाइनटीन थर्टी किसका शेयर है एक्स और वाई का जेड और डब्ल्यू का शेयर तो फिक्स हो गया ये बचा हुआ शेयर है एक्स और वाई का ये शेयर x और y अपने पुराने रेशियो में डिवाइड कर लेंगे आपस में तो इनका पुराना रेशियो थ्री इंस टू टू तो ये थ्री टू में इसको डिवाइड कर देंगे तो जब आप थ्री टू में डिवाइड कर दोगे तो आपके ऐसे ऐसे करके आंसर निकल जाएंगे और आपका रेशियो आ जाएगा ये वाला और अगर मैं बोलू एक्स और वाई का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा तो जो जो उनका पुराना रेशियो है जिसमें आपने डिवाइड किया था उनका शेयर वो उनके बीच का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा तो सैक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी थ्री चलो अब पुराना डाउट मैं बाद में ले लूंगा निशा अब पीछे जाके डाउट्स नहीं लूंगा मैं एंड में ले लूंगा ठीक है चलो ये एग्जाम्पल आ गया सबको समझ ये एग्जाम्पल सबको समझ आ गया क्या यस सर यस सर हो रही है सर चलो अब कुछ बच्चे कहते हैं रिपीट करो कुछ बच्चे कहते हैं सर जल्दी जल्दी आगे बढ़ो मैं क्या करूं बताओ मैं किसकी बात मानू एक की नहीं मानूंगा तो दूसरा एक की मानूंगा तो दूसरा बुरा मान जाएगा दूसरी की मानूंगा तो ये वाला बुरा मान जाएगा तो मैं किसकी बात मानू ये बताओ ना मेरे को अब राहुल रिपीट नहीं कर सकता मैंने दो बार समझा दिया राहुल आई के नॉट रिपीट अगेन एंड अगेन आप लोग बाकी बच्चों की भी सुना सोचा करो आप बार बार रिपीट कराते हो तो आपके बाकी दोस्तों का भी टाइम वेस्ट होता है इस चक्कर में चलो अब क्वेश्चन करते हैं किसके ऊपर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पेज नंबर फाइव पॉइंट एट सिक्स प्रैक्टिकल रजिस्टर में आप लोग क्वेश्चन खोल लो अपना क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना चलो

डी एडमिट हुआ फॉर वन सिक्स शेयर सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर यानी सी का शेयर क्या है कैलकुलेट न्यू पी एस आर एंड सैक्रीफाइसिंग रेशियो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है चलो तो रिमेनिंग शेयर क्या होगा फटाफट से कौन बच्चा सोल्व करेगा इसको रिमेनिंग शेयर क्या होगा रिमेनिंग शेयर विल बी वन माइनस वन बाय सिक्स माइनस वन बाई फाइव वही तो यह आ जाएगा नीचे थर्टी कॉमन थर्टी माइनस फाइव माइनस सिक्स दैट इज नाइनटीन अपॉन थर्टी दैट इज नाइनटीन अपॉन थर्टी अब ये नाइनटीन अपॉन थर्टी किसका शेयर है ए और बी का शेयर है ये लिख लेना आप लोग दिस इज एज एंड बी शेयर P का शेयर और डी का शेयर तो फिक्स हो गया पी का शेयर तो जो पुराना शेयर है वही चल रहा है और डी को जो हमने नया शेयर दिया वो है तो सी और डी का शेयर तो फिक्स हो गया तो ये बचा हुआ किसका शेयर है ए और बी का ए और बी का चलो तो ए का नया शेयर कैसे निकालोगे इज न्यू शेयर नाइनटीन अपॉन थर्टी इंटू ए और बी का आपसी रेशियो देखो क्या है ए और बी का आपसी रेशियो एक बार देखो क्या है टू इंस टू टू है टू इंस टू टू है है ना ये मैं लिख लेता हूं नहीं तो फिर बच्चे बोलेंगे समझ नहीं आया ए बी और सी का शेयर था टू इंस टू टू इंस टू वन अब तो बचा हुआ शेयर ए और बी का है वो आपसी अपने आपसी रेशियो में बांट देंगे यानी टू इंस टू टू में बांट देंगे तो ये आ जाएगा इंटू टू अपॉन फोर और वैसे बी का शेयर आ जाएगा बीज न्यू शेयर नाइनटीन अपॉन थर्टी इंटू टू अपॉन फोर न्यू शेयर सी का न्यू शेयर कितना सी का न्यू शेयर था वन बाय फाइव था और डी का न्यू शेयर कितना था वन बाई स्यू शेयर विल बी वन बाय सिक्स तो जब आप इसको नीचे सिक्सटी सिक्सटी कॉमन ले लेना सिक्सटी डिनोमिनेटर कॉमन ले लोग तो uh, आएगा नाइनटीन अपॉन सिक्सटी आ जाएगा नाइनटीन अपॉन सिक्सटी यह भी नाइनटीन अपॉन सिक्सटी आएगा आ जाएगा इसको 60 कॉमन लेने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर नीचे तो यह आ जाएगा 12 अपॉन 60 और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 10 से तो यह आ जाएगा 10 अपॉन 60 सो देर न्यू पी एस आर विल बी न्यू पी एस आर विल बी नाइनटीन इज टू नाइनटीन इज टू ट्वेल्व इज टू टेन चलो और आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालने बोलिए सैक्रीफाइसिंग रेशो किस किसके बीच में निकल रही है ए और बी में क्योंकि ए और बी ही सैक्रीफाइस कर रहे हैं तो उनका रेशो कितना होगा इक्वल होगा टू इज टू टू दट इज वन इज टू वन वन इज टू वन चलो तो जो बच्चे रिपीट करने बोल रहे थे आई होप अब उनको समझ आ गया होगा बिल्कुल ठीक गौतम आई बिलीव जो बच्चे रिपीट करने बोल रहे थे अब उनको क्लियर हो गया होगा क्या हो गया दिशा क्या प्रॉब्लम हो रही है दिशा बताओ जल्दी से क्योंकि आप हर क्वेश्चन में डाउट पूछ रहे हो सर सर लिख रहे हो क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत हो रही दिशा बताओ जल्दी से मैं वेट नहीं कर सकता बहुत देर तक बिकॉज मुझे बाकी क्लास को आगे लेके चलना है चलो दिशा आपका डाउट मैं एंड में ले लूंगा ठीक है चलो अब वापस से आ जाओ कॉन्सेप्ट में तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको हर आ, केस का एक काइंड ऑफ सैक्रिफाइजिंग रेशियो का एक टेबल टाइप बनवा दूंगा तो आप वो बना लो एक बार तो आप लिखना स्टार डाल के बना देना अपने कॉन्सेप्ट कंटिन्यूएशन में सैक्रिफाइजिंग रेशियो समरी तो हमने छे केसेस करे हैं इन छे केसेस के एक समरी बना लेते हैं ताकि बाद में जब आप रिवाइज करो लेकिन एग्जाम्पल्स पढ़ के पढ़ना अब ये नहीं कि टेबल आंख बंद करके पढ़ के फिर पूछो सर क्या मतलब है जो आपको एक एक करके मैंने केसेस केसेस सारे cases में आपको एग्जाम्पल कराए हैं उस एग्जाम्पल्स को करना एक बार रिवाइज और फिर इस टेबल को देखना ठीक है तो ये टेबल आप घर पे अपने आप पढ़ोगे मैं खाली बनवा रहा हूं आपको मैं खाली आपको बनवा के दे रहा हूं नहीं तो बच्चे अभी बोलने लग जाएंगे सर समझाओ समझाओ चलो तो इधर लिखना केस और इधर लिखना सेक्रीफाइजिंग रेशियो चलो केस नंबर वन केस नंबर वन केस नंबर वन वो वाला केस था मैं रिवाइज कराते हुए चलता हूं केस नंबर वन वो वाला केस था जब नए पार्टनर का रेशियो तो शेयर तो गिवन होता था लेकिन ये नहीं गिवन होता था कि पुराने पार्टनर्स किस रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे तो इस केस में हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या लेके चलते हैं ओल्ड रेशियो ओल्ड रेशियो चलो सेकेंड केस सेकेंड केस था वो वाला केस जिसमें नए पार्टनर का शेयर दिया होता है और ये भी दिया होता है कि आफ्टर एडमिशन पुराने पार्टनर्स का आपसी रेशियो क्या रहेगा तो इस केस में कोई शॉर्टकट नहीं है इस केस में कोई शॉर्टकट नहीं है आपको इंडिविजुअल सेक्रीफाइस निकालने पड़ेंगे इंडिविजुअल सेक्रीफाइस कैसे निकालते हो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो तो इंडिविजुअल सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लेना और इस इंडिविजुअल सैक्रिफाइस के बेसिस पे आप लोग सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकाल लेना चलो केस नंबर थ्री केस नंबर थ्री अपने रजिस्टर में देखते हुए चलो केस नंबर थ्री क्या था केस नंबर थ्री ये था जब वो बोलता था कि इक्वली नया पार्टनर पुराने पार्टनर से इक्वली ले रहा है तो उस केस में सैक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती थी इक्वल ये वैसे मैंने आपको इंडिविजुअल केसेस में लिखवा भी रखा है केस नंबर फोर केस नंबर फोर वो होता था जिसमें वो बोलता था नया पार्टनर का शेयर इतना है और वो पुराने पार्टनर से इस रेशियो में ले रहा है पुराने पार्टनर से इस रेशियो में ले रहा होता ले रहा है तो इसमें क्या होता है केस नंबर फोर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो रेशियो इन विच न्यू पार्टनर रेशियो इन विच न्यू पार्टनर Acquires हिज या हर शेयर फ्रॉम ओल्ड partners। मैं दोबारा बोल रहा हूं ये समरी आप तब पढ़ना अपने आप से जब आप लोग पुराने केसेस रिवाइज कर लो चलो केस नंबर फाइव तो हमने आज ही करा है केस नंबर फाइव क्या है जब कोई पर्टिकुलर फ्रैक्शन में लेता है पार्टनर नया पार्टनर कोई पर्टिकुलर फ्रैक्शन में लेता है तो उसमें आप क्या करते हो आप uh, सेक्रीफाइस uh, निकाल लेते हो अब सेक्रीफाइस फ्रैक्शन को यूज करके सेक्रीफाइस निकालते हो और उसके बेसिस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो लेते हो तो इसमें लिखना टू बी कैलकुलेटेड टू बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस कैलकुलेटेड सेक्रीफाइस कैलकुलेटेड from the ya using the given fraction using the given fraction using the given fraction चलो और case number 6 क्या है केस नंबर 6 वो है जिसमें एक पार्टनर कोई पुराना पार्टनर अपना रेशियो रिटेन करके चलता है तो रेस्पेक्टिव ओल्ड रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स तो पहले आपको सीक्वेंस में सबसे पहले आपको पूरा जो मैंने जो भी केसेस कराए वो रिवाइज करने हैं एग्जांपल्स के साथ और उसके बाद ये टेबल पढ़नी है चलो चलो यहां तक नोट कर लिया सबने नहीं माधव आप, मैं आपको लिखने का इतना टाइम देता हूं इसकी पीडीएफ कहां से लाऊं चंचल सिलेबस का अभी मत पूछो सिलेबस का आपका सीबीएसई बता सकता है? मैं नहीं बता सकता ओनली सीबीएसई के इंटेल की सिलेबस क्या रहेगा ठीक है ठीके? बार बार सिलेबस सिलेबस में डिस्कस करो चलो हो गया सबका ग्रीन सिग्नल दो मेरे को चलो आई बिलीव सबने नोट कर लिया इतना अब किसी का रह गया होगा तो बाद में आप क्लास के बाद देख लेना अब आ जाओ एक कॉन्सेप्ट में ही आप कंटिन्यू लिखना कंटिन्यूशन में लिखना स्पेशल एग्जाम्पल स्पेशल एग्जाम्पल स्पेशल एग्जाम्पल एक आपके बुक के इलस्ट्रेशन में एक क्वेश्चन है है तो मैं आपको यहीं पे एग्जाम्पल के फॉर्म पे लिखवा रहा हूं वो किसी पर्टिकुलर केस में नहीं फॉल करता वो कुछ यूनिक सा क्वेश्चन है तो उसको मैं यहीं पे कॉन्सेप्ट में ही लिखवा दे रहा हूं क्योंकि आपके किताब में दे रखा है चलो तो ये आप एग्जाम्पल नोट करना हालांकि मैंने आपकी इलेट्रेशन से उठाया है एक्स और वाई का रेशियो गिवन है फाइव इज टू थ्री जेड इज एडमिटेड इज एडमिटेड एंड इट इज डिसाइडेड एंड इट इज डिसाइडेड that profit sharing ratio between Y and Z between Y and Z will be same will be same as existing as existing between X and Y calculate new PSR कैलकुलेट न्यू पी एस ने बिल्कुल सोने के बराबर बात करी है वेरी गुड अशोक अशोक मेरी तरफ से अपनी पीठ ऐसे ऐसे करके थपथपा देना अशोक ने बिल्कुल वो बात बोल दिया जो मैं कई बहुत टाइम से आपको समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूं वेरी गुड अशोक अशोक अपनी पीठ ऐसे ऐसे करके थपथपा लेना मेरी तरफ से मैं होता अगर फिजिकल क्लास होती तो मैं आपके पास आके थपथपाता बिल्कुल ठीक बात बोली आपने अशोक चलो नोट कर लिया सबने ये चलो अब इस क्वेश्चन की कहानी सुन लो प्लीज इससे पहले क्या मुझे रिपीट करवाओ इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है एक्स और वाई का रेशियो है फाइव इस टू जेड एडमिट हुआ है और ये डिसाइड हुआ है कि वाई और जेड के बीच में का जो रेशियो रहेगा इट विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एक्स एंड वाई यानी वाई और जेड के बीच का रेशियो जितना अभी एक्स और वाई का बीच का रेशियो चल रहा है उतना रहेगा एक्स और वाई का रेशियो कितना चल रहे है? रहे. मैं एक बार और रिपीट कर रहा है इस क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि एक्स और वाई का रेशियो है फाइव इंस टू थ्री जेड एडमिट हो रहा है और आप न्यू पी एस आर ऐसा निकालो कि वाई और जेड के बीच का जो आपसी रेशियो आएगा दैट शुड बी इक्वल टू एक्स और वाई का आपसी रेशियो जो अभी चल रहा है दैट इज टू से वाई और जेड का जो रेशियो बीच का रेशियो रहेगा वो फाइव इज टू थ्री रहेगा पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हो गया चलो अब गप्पे बाद में मारना मुझे बताओ क्वेश्चन क्लियर हो गया सारे बच्चों को अब मैं रिपीट नहीं करूंगा बार बार नहीं तो नो no, नो no श्वेता बिल्कुल गलत इसका मतलब यह नहीं कि वाई रिटेन कर रहा है इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वाई रिटेन कर रहा है अपना शेयर चलो बच्चे बच्चे सबसे पहले बोले क्वेश्चन क्लियर हो गया क्वेश्चन इज क्लियर यानी कि इसको यहां लिख लो जब हम एक्स इज टू वाई इज टू जेड ये रेशियो निकालेंगे तो रेशियो ऐसा आना चाहिए कि y और z का जो बीच का रेशियो है फाइव इज टू थ्री दैट शुड बी फाइव इज टू थ्री अब इस क्वेश्चन में आप ये कैसे निकालोगे ध्यान से देखना अभी एक्स और वाई का रेशियो कितना चल रहा है अभी x और y का रेशियो कितना चल रहा है फाइव इज टू थ्री तो यानी मैं क्या कह सकता हूं कि y का जो रेशियो है वो थ्री बाई फाइव इन टू हंड्रेड दैट इज सिक्सटी परसेंट दैट इज सिक्सटी परसेंट यानी जो ये वाई का रेशियो आ रहा है थ्री का ये ये इसका सिक्सटी परसेंट है ये इसका सिक्सटी परसेंट है क्या मैं ये कह सकता हूं ये थ्री फाइव का सिक्सटी परसेंट है यानी वाई का जो रेशियो है वाई का जो एप्सलूट रेशियो है वो एक्स के एब्सोलूट रेशियो का सिक्सटी परसेंट है यस और नो फटाफट से मुझे बताओ क्या मेरे से सब बारे बारे सारे बच्चे एग्री करते हैं क्या सारे बच्चे मेरे से एग्री करते हैं एक्स और वाई का करेंट रेशियो फाइव थ्री चल रहा है यानी वाई का रेशियो थ्री ये सिक्सटी परसेंट है ऑफ फाइव यानी एक्स का एब्सोलूट रेशियो सॉरी वाई का एब्सोलूट रेशियो एक्स के एब्सोलूट रेशियो का सिक्सटी परसेंट है अब बच्चे थोड़ा सा आपको अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा ना हर चीज में प्लेट में परोस के आपके मुंह में नहीं डाल सकता ना थोड़ा यू हैव टू ओपन योर माइंड अपना थोड़ा माइंड ओपन करने की कोशिश किया करो बिकॉज मी एज बीइंग मैं आपके एकदम दिमाग में ऐसी चीज डाल नहीं सकता आपको थोड़ा अपना खुद भी सोचना पड़ेगा दोस्त x का रेशियो फाइव टू थ्री है x और y का यानी कि इसको हटा दो यानी कि अगर मैं बोलूं कि y का जो रेशियो है वो x के कितने परसेंट है यानी ये थ्री फाइव का कितना परसेंट है तो ये मैं कैसे निकालूंगा थ्री अपॉन फाइव इंटू हंड्रेड थ्री अपॉन इंटू हंड्रेड परसेंटेज निकालना आता है ना तो परसेंटेज कैसे निकाला थ्री अपॉन फाइव इंटू हंड्रेड यानी थ्री फाइव का सिक्सटी परसेंट है फाइव को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूं तो थ्री आएगा तो वाई का एब्सोल्यूट रेशियो एक्स का एब्सोल्यूट रेशियो का 60 परसेंट है ठीक है यानी कि अगर मैं अब मेरे को वाई और जेड के बीच का ये फाइव थ्री का रेशियो मेंटेन करना है तो जेड का जो रेशियो आएगा जेड का जो रेशियो आएगा वो वाई का 60 परसेंट होना चाहिए जैसे एक्स का रेशियो वाई का रेशियो एक्स का 60 परसेंट है वैसी z का रेशियो भी y का 60 परसेंट होना चाहिए तो यानी Z का एप्सोलूट रेशियो कितना आ जाएगा Z का एप्सल्यूट रेशियो आ जाएगा 3 का 60 परसेंट यानी 60 अपॉन हंड्रेड X, Y और Z का अगर मैं न्यू पी एस आर बोलू तो आएगा फाइव इज टू थ्री इज टू वन पॉइंट एट ये मैथ्स है ठीक है ज्यादा मैं मैथ्स नहीं समझा सकता एक लेवल से ज्यादा मैथ्स मैं समझा नहीं सकता ठीक है तो इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई कर दू तो यह फिफ्टी थर्टीन या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर दू तो आ जाएगा ट्वेंटी तो अब आप इसको एक बार वेरीफाई कर लेना आप इसको वेरीफाई कर सकते हो अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हो y और z का आपसी रेशियो कितना है यानी सिंप्लीफाई करू तो क्या आ रहा है फाइव से डिवाइड करो फाइव इज थ्री यानी कि जो मेरी कंडीशन थी कि एक्स और वाई के जो रेशियो चल रहा है वही वाई और जेड का रेशियो चलना चलना चाहिए वो सेटिस्फाई हो गई ठीक है अब जिन बच्चों को मैथ समझ आ गई हो वो समझ लेना बाकी बच्चे रट लेना मैं यही बोल सकता हूं चलो जेड में तीन से मल्टीप्लाई क्यों किया है कहा तीन से मल्टीप्लाई किया जेड में ओहो ये मैंने थ्री का सिक्सटी परसेंट निकाला है दोस्त एक्स वाई और जेड का मुझे रेशियो निकालना था इसमें से एक्स और वाई का रेशियो मुझे फाइव इज टू थ्री पता है मुझे जेड का नहीं पता पर मुझे यह पता है कि वाई का रेशियो एक्स का सिक्सटी परसेंट है और अगर मुझे फाइव इस टू थ्री मेन्टेन करना है वाई और जेड के बीच में तो मुझे जेड का भी z जेड का जो निकलेगा वो भी वाई का सिक्सटी परसेंट निकालना चाहिए तो ये जो क्वेश्चन मार्क है वो इस थ्री का सिक्सटी परसेंट निकलेगा तो थ्री को जब मैं सिक्सटी परसेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा वन पॉइंट एट सो योर न्यू रेशियो विल बी फाइव इज टू थ्री इज टू वन पॉइंट एट और जब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यह आएगा ट्वेंटी फाइव इज टू फिफ्टी इज टू नाइन चलो अब ये ज्यादा मैं नहीं समझा सकता अगर इतना समझ आ गया हो तो वेल एंड गुड नहीं तो रट लेना चलो तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का हम लोग और फिर हम लोग सेशन एंड कर लेंगे तो कौन सा क्वेश्चन करें एक मिनट देख लेता हूं मैं <coughs> <coughs> मिनट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कर लेते हैं चलो तो सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन खोल लो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे पेज नंबर है फाइव पॉइंट एट सिक्स पेज नंबर फाइव पॉइंट एट सिक्स इस कॉन्सेप्ट का और मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है बाकी बचे हुए क्वेश्चन सारे आपको करने हैं तो मैं आपके सामने क्वेश्चन खोल लेता हूं फटाफट से क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ए बी सी एंड डी आर इन पार्ट आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ थर्टी सिक्स इज टू ट्वेंटी फोर इज टू ट्वेंटी इज टू ट्वेंटी तो आपके चार पार्टनर्स है और उनका आपको रेशियो गिवन है ई ज्वाइंट द पार्टनरशिप फॉर ट्वेंटी परसेंट शेयर ट्वेंटी परसेंट शेयर का क्या मतलब हुआ ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड दन by फाइव ठीक है ट्वेंटी परसेंट का ये मतलब हुआ तो ई ज्वाइंट पार्टनरशिप वॉर्ड ट्वेंटी परसेंट शेयर एंड ए बी सी एंड डी इन फ्यूचर वुड शेयर प्रॉफिट अमंगस एस थ्री बाय टेन फोर बाय टेन टू बाय टेन एंड वन बाय टेन तो ये हो गया आपका केस नंबर टू केस नंबर टू वो कह रहा है कि ई के एडमिशन के बाद ए बी सी डी जो आपस में शेयर शेयर मेंटेन करेंगे वो करेंगे थ्री बाय टेन इज टू फोर बाय टेन इज टू टू बाई टेन इज टू वन बाई टेन या फिर सिंपल भाषा में बोलू तो थ्री इज टू फोर इज टू टू इज टू वन आपको क्या निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर इज एडमिशन चलो चलो तो ये आपका हो गया केस नंबर दो का क्वेश्चन है आपके रेफरेंस के लिए बता दू, ये केस नंबर दो का क्वेश्चन है <coughs> तो रिमेनिंग शेयर निकालना है इसके आपको सबसे पहले रिमेनिंग शेयर निकालना होता है सबसे पहले आपको रिमेनिंग शेयर निकालना होता है तो रिमेनिंग शेयर कितना रहेगा वन माइनस वन बाई फाइव दैट इज फोर बाय फाइव अब इस फोर बाय फाइव शेयर को आपको ए बी सी डी में ए बी सी डी में बांट देना है थ्री इज टू फोर इज टू टू इज टू वन रेशियो में ठीक है तो फटाफट से बांट दो ए का नया शेयर कितना आएगा ए इज न्यू शेयर फोर बाय फाइव का थ्री बाय टेन दैट इज ट्वेल्व अपॉन फिफ्टी बी का शेयर कितना आएगा फोर बाय फाइव का फोर बाय टेन दैट इज सिक्सटीन अपॉन फिफ्टी C का नया शेयर कितना आएगा सी का नया शेयर कितना आएगा फोर बाय फाइव का थ्री टू फोर इंस टू टू था ना तो टू बाय टेन इंटू टू बाय टेन तो यह आएगा एट अपॉन फिफ्टी और डी का शेयर कितना आएगा डीज न्यू शेयर फोर बाय फाइव का फोर बाय फाइव का वन अपॉन टेन दिफ्टी और ई e का शेयर तो मैंने आपको दिया ही हुआ है ई का शेयर क्वेश्चन में दिया हुआ है वन फाइव और फिफ्टी लाने के लिए मैं टेन से मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर नीचे तो ये आ जाएगा टेन अपॉन फिफ्टी न्यू पी एस आर विल बी देर फोर न्यू पी एस आर न्यू पी एस आर हो जाएगा ट्वेल्व इज टू सिक्सटीन इस टू एट ट्वेल्व इज टू सिक्सटीन इस टू एट इज टू फोर इज टू टेन और इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं <coughs> सिक्स इज टू एट इज फोर इज टू टू इज टू फाइव ठीक है तो ये आपका न्यू रेशियो आ जाएगा सिक्स इज टू एट इज टू फोर इज टू टू इज टू फाइव दिस विल बी योर न्यू पी एस आर परफेक्ट सारे बच्चों का आ गया अच्छा इसमें आपसे सैक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालने बोला है इसमें आपसे सैक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालने बोला है ना क्वेश्चन नंबर 15 में अच्छा नहीं सिर्फ न्यू पी निकालना है ओके okay, ठीक है छोड़ो फिर मुझे लगा सैक्रीफाइसिंग भी निकालना है तो न्यू निकालना है आपको सिर्फ चलो एक क्वेश्चन में आपको और कराना चाहता हूं एक क्वेश्चन में आपको और कराना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन निकालना सारे बच्चे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन लास्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन मुझे और कराना है क्वेश्चन नंबर थर्टीन पेज नंबर फाइव पॉइंट एट सिक्स पेज नंबर फाइव पॉइंट एट सिक्स चलो पेज नंबर फाइव पॉइंट एट सिक्स क्वेश्चन नंबर थर्टीन ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक भी नहीं कराया इसलिए मैं एक करा रहा हूं करीम एंड रहमान आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ थ्री टू टू नवल इज एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन करीम रहमान एंड नवल विल बी फोर इज टू थ्री टू टू तो ये क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है और आपको न्यू रेशियो भी गिवन है आपको निकालना है सेक्रीफाइजिंग रेशियो आपको निकालना है सेक्रीफाइजिंग रेशियो अच्छा बच्चे पिछले क्वेश्चन में सेक्रीफाइस भी निकाल रहे हैं वेरी गुड चलो अभी तक बच्चे पिछले क्वेश्चन में अटके हुए हैं क्या टेन बाय टेन से क्यों मल्टीप्लाई किया एक बच्चा पूछ है टेन बाय टेन से क्यों मल्टीप्लाई किया फिफ्टी का कॉमन डिनोमिनेटर लाने के लिए मैंने टेन बाय टेन से मल्टीप्लाई किया क्योंकि वन बाय फाइव गिवन था मुझे डिनोमिनेटर में फिफ्टी चाहिए था तो इसलिए टेन बाई टेन से मल्टीप्लाई किया चलो डिस्टार्ट कर दिया आप लोगों ने तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन

करीम की अगर मैं बात करूं तो करीम का न्यू रेशियो है क्वेश्चन थर्टीन में मैं करीम की बात करूं करीम का न्यू रेशियो है फोर बाय नाइन और पुराना रेशियो था थ्री बाय फाइव तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये नीचे फोर्टी फाइव कॉमन ले लेंगे तो आएगा ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी सेवन दैट इज इक्वल टू माइनस सेवन अपॉन फोर्टी फाइव माइनस का मतलब हो गया सेक्रीफाइस वैसी अगर मैं बात करूं रहमान की रहमान रहमान का न्यू रेशियो है थ्री बाय नाइन पुराना रेशियो था टू बाई फाइव नीचे फोर्टी फाइव कॉमन ले लूंगा तो आएगा फिफ्टीन माइनस एटीन अपॉन फोर्टी फाइव दैट इज माइनस थ्री अपॉन फोर्टी फाइव तो ये भी हो गया सेक्रीफाइस तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकल गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन करीम एंड रहमान करीम एंड रहमान यह आ जाएगा सेवन अपॉन फोर्टी फाइव इज टू थ्री अपॉन फोर्टी फाइव या इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आ जाएगा सेवन इज टू थ्री सेवन इज टू थ्री चलो ये एक और क्वेश्चन मुझे कराना था आपको सर गॉड कर रहे हो आप गॉट कर रहे हो क्या क्या मतलब है चलो होमवर्क सबसे पहले आपको दे दिया जाए होमवर्क तो होमवर्क के क्वेश्चन मैंने आपके लिए कहीं नोट करके रखे थे एक मिनट रुकना कहा नोट किए थे मैंने हाँ ये रहे तो होमवर्क में लिखना क्वेश्चन नंबर टू फोर टेन फोर्टीन और एटीन और इलेस्ट्रेशन लिखना इलास्ट्रेशन लिखना नाइन टेन थर्टीन फोर्टीन सिक्सटीन और एट तो एट नाइन टेन थर्टीन फोर्टीन सिक्सटीन तो यह आपका हो गया होमवर्क ये आपका हो गया होमवर्क चलो नमस्ते जी आप पूछिए डाउट आप पूछिए डाउट अब निखिल क्विज के लिए बहुत देर हो गई है क्विज कर लेंगे डोंट वरी क्विज में सोच रहा हूं जब हमारे एक दो थोड़े कॉन्सेप्ट अच्छे से हो गए होंगे ना तो मिला के क्विज करेंगे है ना हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स का अगर क्विज करेंगे तो बोर लगेगा थोड़े जब हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होंगे ना अच्छे से कॉन्सेप्ट्स का हमारे पास डेटा बेस होगा या कॉन्सेप्ट्स का हमारे पास जब मिश्रण होगा तो वो मिश्रण मिला मुलू के क्विज क्विज uh, करेंगे ताकि हमारी थोड़ी रिविजन अच्छी हो निशा कह रहे केस फोर एंड फाइव प्लीज डाउट थोड़ी कंफ्यूजन है क्या कंफ्यूजन बताओ निशा केस नंबर फोर फाइव मैं एक बार रिपीट कर लेता हूं केस नंबर फोर और फाइव केस देखो केस फाइव क्या था केस फाइव क्या था चलो मैं नीचे लिख के बता देता हूं मैं नीचे लिख के बता देता हूं ऐसे समझ नहीं आएगा तो एक मिनट देना एक बच्चे का डाउट है कि सर केस नंबर फोर और फाइव में क्या फर्क है केस नंबर फोर और फाइव में क्या फर्क है एक बार आप क्वेश्चन देखो एग्जाम्पल पढ़ो आपको एग्जाम्पल पढ़ के रियलाइज होगा केस नंबर फोर में क्या बोलता हूं मैं केस में बोलता हूं न्यू पार्टनर का रेशियो है मान लो कुछ भी मान लो वन बाय फोर है कुछ भी मान लो ऐसे मान लो न्यू पार्टनर का रेशियो वन बाय फोर है और ये रेशियो वो पुराने पार्टनर से एक पर्टिकुलर रेशियो में लेगा ये नया शेयर पुराने पार्टनर से पर्टिकुलर रेशियो पे लेगा मान लो टू इन में लेगा तो ये जब वन बाय फोर का नया शेयर पुराने पार्टनर से टू नंबर तो फाइव में क्या फर्क है केस नंबर फाइव में उल्टा है केस नंबर फाइव में उल्टा है मैं बोल रहा हूं न्यू पार्टनर न्यू पार्टनर एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ले रहा है पुराने पार्टनर से ओल्ड पार्टनर से अब वो फ्रैक्शन में क्या बोलता हूं कभी कभी मैं फ्रैक्शन में वर्ड यूज कर लेता हूं फ्रॉम कभी कभी फ्रैक्शन में वो वर्ड यूज कर लेता हूं ऑफ है ना फ्रॉम का मतलब क्या है अगर मैं फ्रॉम बोल रहा हूं टू फिफ्थ फ्रॉम टू फिफ्थ फ्रॉम तो इसमें में क्या करना होता है हमें ओल्ड रेशियो में से फ्लैट टू बाई फाइव मल्टीप्लाई करना होता है और अगर मैं बोल रहा हूं टू फिफ्थ ऑफ टू फिफ्थ ऑफ तो इसमें हमको क्या करना पड़ता है ओल्ड रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो का टू बाई फाइव ठीक है तो ये टू ऑफ uh, और फ्रॉम वर्ड में डिफरेंस है फ्रॉम मतलब हो गया ओल्ड रेशियो में से फ्लैट टू बाई फाइव मैंने सीधा मल्टीप्लाई माइनस uh, कर दिया तो ये मेरा न्यू रेशियो आ गया और ऑफ का मतलब है कि ओल्ड रेशियो का मैंने फ्रैक्शन कैलकुलेट किया और इससे मेरा फिर न्यू रेशियो आया तो आई बिलीव निशा अब आपका क्लियर हो गया होगा <coughs> अभी मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहां से आ गया माधव माधव टू द पॉइंट डाउट पूछो ना मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहां आ गया टर्म कहां पड़ा आपने मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहां पढ़ लिया आपने मुझे वो बताओ फिर मैं बताऊंगा रेलिवेंट डाउट्स पूछो ना तो आई बिलीव निशा थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा आपको क्या गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल अलग प्रीमियम फॉर गुडविल धीरा जब मत पूछो ना अपने करा एक कॉन्सेप्ट क्या प्रीमियम फॉर गुडविल का मैंने अभी करवाया आपको तो क्यों पूछ रहे जयंत कह रहे वन क्वेश्चन लास्ट क्लास का डाउट क्वेश्चन नंबर एट एक मिनट रुकना इसको कहां रखू इसको नीचे रख देता हूं क्वेश्चन नंबर एट यहीं खोल लेता हूं छोड़ो ये बच्चा कह रहा है क्वेश्चन नंबर एट में डाउट है क्या डाउट है इसमें ये आपका केस नंबर फोर बन गया ना केस नंबर फोर बन गया उसने बोला कि नए आर जो पार्टनर एडमिट हुआ वन फोर्थ शेयर के लिए एडमिट हुआ और ये वन फोर्थ शेयर कैसे कैसे ले रहा है सेवेंटी फाइव परसेंट ये ले रहा है पी से और ट्वेंटी फाइव परसेंट ले रहा है ये क्यू से तो दिस इज योर केस नंबर फोर ठीक है जब नया पार्टनर पर्टिकुलर रेशियो में लेता है पुराने पार्टनर से तो वो होता है केस नंबर फोर लोन अकाउंट का रूल बता दो तो लोन अगर लाइबिलिटी के लिए लोन पूछ रहे हो तो लाइबिलिटी का क्या होता है लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होता है कम होती है तो डेबिट होता है तो आई बिलीव आप रूल यही पूछ रहे होगे गए रिपीट केस सिक्स के ऊपर मैंने एग्जाम्पल भी कराया क्वेश्चन भी कराया और एग्जाम्पल को दो बार समझाया तो टोटल मैंने तीन बार समझाया केस सिक्स उसके बावजूद एक बच्चा कह रहा है सर केस सिक्स रिपीट करो फिर आप लोग बोलते हो सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हो अब आप बता दो मैं क्या कर सकता हूं कम से कम तीन से चार बार मैंने केस सिक्स समझा दिया एग्जाम्पल भी कराया क्वेश्चन भी कराया क्या कर सकते हैं दोस्त बच्चे को समझ नहीं आया तो दिक्कत है ना समझाना तो है ही उसको तो केस सिक्स में क्या क्या फंडा है एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं के सिक्स का मतलब ये होता है के सिक्स में कब बैठता है जब पुराने पार्टनर में से कोई एक पार्टनर कहता है कि भाई जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो मेरा शेयर अनचेंज रहेगा मैं अपना पुराना शेयर ही कंटिन्यू करूंगा मेरा शेयर मैं रिटेन करूंगा तो यानी अगर मैं अपनी एग्जाम्पल में समझाऊं एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर थे उनका रेशियो मैंने बोला था अब देखो कितनी बार समझाया ऊपर मैंने कितनी बार लिखा हुआ है अब यहां से देख लो कितनी बार लिखा है मैंने ऊपर से ओवर कितनी हो रखी है मेरी इतनी बार समझाया हुआ है मैंने तो इनका ओल्ड रेशियो था थ्री टू टू इस टू वन तो इस क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूं जेड बोल रहा है कि डब्ल्यू टू एडमिट हो जाए वन बाय फाइव शेयर के लिए लेकिन मेरा शेयर अनचेंज रहेगा मेरा शेयर वन बाय सिक्स था और तेरे एडमिशन के बाद मेरा शेयर वन बाय सिक्स ही रहेगा तो यानी इस केस में दो पार्टनर्स के शेयर फ्रीज हो गए फिक्स हो गए एक हो गया Z का और एक हो गया W का तो फिर हम इसके क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग रिमेनिंग शेयर निकालते हैं बचे हुए पार्टनर का तो वन माइनस वन बाय सिक्स माइनस वन बाय फाइव तो uh, uh, Z और W का शेयर फिक्स हो गया बचे हुए पार्टनर है एक्स और वाई तो उनका रिमेनिंग शेयर मैंने निकाल दिया नाइनटीन इस टू थर्टी तो एक्स का, तो 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 का अगर बांटूंगा तो बांटूंगा तो नाइनटीन बाई थर्टी इंटू थ्री बाय फाइव तो यह सोल्व करके ये आ जाएगा सोल्व करके ये आ जाएगा और वन बाय सिक्स तो जेड का शेयर था वन बाय फिफ्टी मुझे कॉमन रिमाइंडर डिनोमिनेटर लेना था इसलिए मैंने ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा ट्वेंटी वैसे वाई का शेयर था का है डब्ल्यू तो डब्ल्यू का शेयर था वन बाय सिक्स वन बाय फाइव तो नीचे वन बाय फिफ्टी वन बाई वन फिफ्टी को डिनोमिनेटर में कॉमन लेने के लिए मैंने ऊपर नीचे थर्टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया थर्टी बाय फिफ्टी Accordingly, आपका न्यू पी निकल के आ गया अच्छा इस क्वेश्चन में अगर मैं पूछू, sacrificing ratio क्या होगा X और y का, तो उनका जो पुराना old ratio था, अपना old respective PSR, उनका आपसी जो रेशियो था वही उनका सैक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा तो थ्री टू उनका सैक्रीफाइजिंग रेशियो आ जाएगा ठीक है चलो एमसीक्यू ऑफ डेप्रिसिएशन सर क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या दिक्कत है एस बी जे वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म टी वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर वन फिफ्थ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एस बी जे इसमें एस बी जे का पुराना रेशियो नहीं गिवन है पुराना जब रेशियो गिवन नहीं होता तो हम इक्वल मानते हैं तो यानी ओल्ड रहा होगा और इसमें आपको और क्या बोला इसमें बोला कि नया पार्टनर शेयर के, के लिए आ रहा है और बाकी क्वेश्चन साइलेंट है हो जाएगा। और इस में आपको सैक्रीफाइसिंग रेशियो ही निकालना है तो इस केस नंबर वन का मैंने क्या बोल रखा है ओल्ड रेशियो ही सैक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो क्या था वन इज टू वन इज टू वन ये ओल्ड रेशियो था तो सैक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या आ जाएगा वन इज टू वन इज टू वन सिंपल क्वेश्चन गरेवाल क्विज ले लेंगे निशा वही मैंने बोला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारे पास इकट्ठा हो जाए ना कॉन्सेप्ट हमारे पास थोड़े से इकट्ठा हो जाए वरना एक ही कॉन्सेप्ट पूरा क्विज बना दूंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे क्वेश्चन सेवन बढ़ा दिया मैंने दीपिका क्वेश्चन सेवन मैंने बता दिया क्वेश्चन फिफ्टीन का सेक्रीफाइजिंग रेशियो बता दीजिए कैसे निकलेगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आपको इंडिविजुअल सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा ये निकलता है ओल्ड रेशियो सॉरी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ठीक है तो आप इंडिविजुअल सेक्रीफाइस निकाल लेना और अकॉर्डिंगली उसका सैक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी की तरह क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरह निकाल लेना इसका भी सैक्रीफाइसिंग रेशियो ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन मैंने डिस्कस कर लिया किसका सॉल्व करके करना हो शवी कौन से क्वेश्चन के लिए पूछ रहे हो आप करके करना हो क्वेश्चन सिक्स मोहन एंड महेश आर पार्टनर्स इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ नुसरत इज एडमिटेड एज पार्टनर रेशनर शेयर इन प्रॉफिट नुसरत टेक्स शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेश टू इज वन ऑन यार अब ये क्वेश्चन भी आप नहीं कर पा रहे क्या ऐसे मत करो दोस्त मुझे बहुत डिमोटिवेशन होती है एग्जाम्पल करा रखा है इस पर पूरा मतलब बिल्कुल डिटो सेम क्वेश्चन है फिगर्स बदली हुई है क्वेश्चन सेवन समझा चुका संभवी क्वेश्चन नंबर सिक्स में एक बच्चा पूछ रहा है सर कैसे निकलेगा न्यू प्री पी पीएसआर ये कौन सा है ये केस नंबर uh, नुसरत टेक्सिंग शेयर फ्रॉम ये नंबर फोर है ये केस नंबर फोर है अब ऐसे करोगे तो बहुत गलत बात है दोस्त मोहन का न्यू शेयर कितना आएगा पुराना शेयर है थ्री बाय फाइव माइनस वन फोर का टू बाय थ्री ठीक है वैसे अगर मैं महेश की बात करूं तो उसका कैसे आएगा टू बाय फाइव माइनस वन बाय फोर का वन बाय थ्री ठीक है मैं ऐसे ही बता सकता हूं आप एक बच्चा पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर सेवन प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे <coughs> तो आप खाली लिख सकते हो आप खाली लिख सकते हो कि व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट लो मैं क्वेश्चन सेवन लिखवा देता हूं क्वेश्चन नंबर सेवन में लिखवा लेता हूं बच्चे को प्रेजेंटेशन में इशू आ रहा है मेबी तो इसलिए उसके लिए लिखवा लेता हूं क्वेश्चन नंबर सेवन इसको आप ऐसे लिख लेना वेन क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन हाउ न्यू पार्टनर विल गेट हिज शेयर विल गेट हिज और हर शेयर We assume. We assume that uh, he or she gets his or her share from old partners, from old partners in old ratio. therefore in the given question sacrificing ratio will be same as old ratio will be same as old ratio that is 1 is to 1 is to 1 chalo केस सिक्स के एग्जाम्पल में सैक्रीफाइजिंग रेशियो सैक्रीफाइजिंग रेशियो तो निकालना आता है नहीं है क्या आपको पिछले चैप्टर में सीखा है हमने पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने केस सिक्स के एग्जाम्पल में ये तो मैंने लिखवा दिया ये लो ये लिखा हुआ सैक्रीफाइजिंग रेशियो विल भी रिमेनिंग पार्टनर का अपना रिस्पेक्टिव रेशियो यानी मेरे इस क्वेश्चन में एक्स और वाई रिमेनिंग पार्टनर है तो उनका जो आपसी रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा अभी कितनी बार रिपीट करू मैं और आपको टेबल में भी लिखवा रखा है येरा रिस्पेक्टिव ओल्ड रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर यानी मेरे एग्जाम्पल में एक्स और वाई का जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका रिस्पेक्टिव जो आपसी रेशियो है वही सेक्रीफाइजिंग रेशियो रहेगा चलो अभी बहुत बार रिपीट हो गया चलो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कॉन्सेप्ट में इसलिए आपको लिखवाया जाता है अब आप एक बार स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट रिवाइज करना सारे केसेस सीक्वेंस में पढ़ना जैसे लिखवाए हैं सीक्वेंस में उसके एग्जाम्पल भी पढ़ना एग्जाम्पल पढ़ना चाहे तो हाथ से कर लेना उसके बाद आप ये टेबल पढ़ना जो मैंने आपको आज टेबल पढ़ाई है फिर आपको चीजें समझ आ जाएंगी ठीक है तो जिस सीक्वेंस में आपको चीजें लिखवाई लिखवाइएं उस सीक्वेंस में आप रिवाइज करना ये नहीं बीच बीच में से रैंडमली घुस गए एकदम से कोई भी एग्जाम्पल खोल लिया और फिर वहां अटक गए कि क्या किया यहाँ पे हाथ से चीजें सिक्वेंस में करना चलो एमसीक्यूस करा ही रहे कशिश एमसीक्यूज तो करा ही रहो ना बीच बीच में और बताओ चलो बाय बाय प्रियांशी प्रियांशी बाय बाय

मैं अपना प्रॉमिस पूरा निभाना चाह रहा हूं लेकिन आप ही सेशन में नहीं आ रहे मैं कैसे निभाऊं चलो बाय मैथ्स की क्लास ट्यूजडे सर्सडे सैटरडे सेवन थर्टी से होती है ठीक है चलो यो वेलकम निशा बाय बाय टेक केयर तो चलो आई आइल क्लोज द सेशन आई क्लोज द सेशन टेक केयर एवरीवन एज यूज अपने हेल्थ का ध्यान रखो अपने परिवार वालों का ध्यान रखो और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहो ठीक है चलो टेक केयर एवरीवन किसी के डाउट्स रह गए हो तो नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा ठीक है किसी के डाउट्स रह गए हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा चलो बाय बाय